ये तस्वीरें 12 अक्टूबर 2019 की हैं, जब मुल्क के अवाम ने मुअज़्ज़िज़ वज़ीरे आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी को महाबलीपुरम के साहिल पर प्लास्टिक का कचरा उठाते हुए देखा। क्या आपने कभी सोचा है कि वज़ीरे आज़म मोदी जी आखिर प्लास्टिक का फुजला क्यों हटा रहे थे? इसे समझने के लिए जरा इन आदाद और शुमार पर गौर कीजिए। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 1 करोड़ टन से ज्यादा प्लास्टिक दरियाओं, नहरों और नालों के रास्ते समंदरों में चली जाती है, जो 80% से ज्यादा समंदरी गंदगी के लिए जिम्मेदार है। ये प्लास्टिक सिर्फ आबी आलूदगी के लिए ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि इसे खा लेने की वजह से मछलियों, कछुओं और दीगर समंदरी मखलूक की कई इकसाम नापैद होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। साइंसदानों के मुताबिक समंदरी सतह पर तैरने वाला यह हिस्सा कुल प्लास्टिक का सिर्फ 1% है, जबकि 99% समंदरी मखलूक की पेट में है या फिर समंदरी सतह में छिपा है। ये तो बात थी दुनिया में प्लास्टिक से हो रही आबी आलूदगी की। अब आपको हिंदुस्तान की जमीनी हकीकत से रूबरू कराते हैं। भारत में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल आज बड़े पैमाने पर हो रहा है। हर साल तकरीबन 56 लाख टन प्लास्टिक फुजला पैदा होता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में हर साल 690 टन, चेन्नई में 429 टन, कोलकाता में 426 टन और मुंबई में 408 टन प्लास्टिक फुजला फेंका जाता है। ये आदादो शुमार तो महज 4 महानगरों के हैं। अगर पूरे मुल्क की सूरत हाल पर गौर किया जाए तो वो कितने खतरनाक होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। असल में प्लास्टिक माहौलियात के लिए आज के दौर के सबसे बड़े खतरात में से एक है। तो चलिए हमारी इस नई मुसीबत के बारे में जानते हैं। प्लास्टिक के मुज़िर असरात। प्लास्टिक के कुछ सामान जैसे थैलियां वगैरह को डिग्रेड या सड़ने में काफी ज्यादा वक्त लगता है और इस दरमियान ये हमारी मिट्टी और पानी दोनों को आलूदा कर देती हैं। प्लास्टिक में कुछ जहरीले कीमिया होते हैं जो मिट्टी और पानी के जरिए हमारी फसलों और गजाई अशिया में दाखिल होते हैं और फिर इन गजाई अशिया को खाने से ये हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा देते हैं। अगर प्लास्टिक को जानवर या इंसान खा लेते हैं तो ये उनके सिस्टम जैसे फेफड़ों और दीगर अज्जा को मुतासिर कर सकता है। देही पस मंजर में जाने अनजाने में जानवर प्लास्टिक निगल जाते हैं, जिसके बाद वो बीमार पड़ते हैं और इससे उनकी दर्दनाक मौत वाक़े हो जाती है। जिस्म में दाखिल करने के बाद प्लास्टिक जानवरों के लिए जानलेवा हो सकती है। प्लास्टिक फितरी तौर पर सड़ने या गलने वाली चीज नहीं है। ये ना तो मिट्टी में सड़ सकती है और ना ही पानी में घुल सकती है। वक्त के साथ साथ ये प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर माइक्रोप्लास्टिक की शक्ल इख्तियार कर लेती है और फिर मिट्टी और पानी को आलूदा करती है। प्लास्टिक को जलाने का अमल मजीद खतरनाक है, क्योंकि जलने के बाद प्लास्टिक से ऐसे जहरीले कीमिया हवा में फैलते हैं जो मोहलक साबित हो सकते हैं। ये सच्चाई है कि प्लास्टिक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में प्लास्टिक के सामान से बचने के लिए हमारे पास कई बेहतर मुतबादिल मौजूद हैं, जैसे प्लास्टिक के बैग की जगह कपड़े, जूट या कागज से बने थैलियों का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक की क्रॉकरी के बजाय मिट्टी के कुल्हड़ या पत्तों से बनी क्रॉकरी का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक बोतलों में भरे मायात का इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह है, ऐसे में धात या मिट्टी से बनी बोतलें एक बेहतर मुतबादिल हैं। घरेलू सामान जैसे बच्चों के खिलौने, फर्नीचर और बर्तन खरीदते वक्त ख्याल रहे कि वो प्लास्टिक से ना बने हों। लकड़ी और धात से बने सामान को ज्यादा तवज्जो दें। सिंगल यूज यानी एक मर्तबा के इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक माहौलियात के लिए ज्यादा खतरनाक है। बायोप्लास्टिक इसका एक बेहतर मुतबादिल है, क्योंकि बायोप्लास्टिक को रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए प्लास्टिक का बायकॉट करना बहुत जरूरी है, इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुकूमत ने प्लास्टिक से होने वाली आलूदगी की रोकथाम के लिए कई इकदाम किए हैं। यौम आजादी के मौके पर वजीर आजम ने लाल किले की दीवार से मुल्क के आवाम को प्लास्टिक के बायकॉट का पैगाम दिया। घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो गंदी ना, सब इकट्ठा करें। नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत सब
इसको जमा करने की व्यवस्था करें और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं। क्या बाबाए कौम महात्मा गांधी के 150वें यौमे विलादत के मौके पर वजीर आजम ने अज़्म लिया कि वो 2022 तक मुल्क को सिंगल यूज प्लास्टिक से निजात दिलाएंगे। इसके अलावा जमीनी सतह पर हुकूमत ने प्लास्टिक पर रोकथाम के लिए सख्त और कारगर इकदाम किए हैं, जैसे 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग यानी थैलियों के इस्तेमाल पर दिसंबर 2021 के बाद से रोक लगा दी गई है। कचरे में पहुंचने के बाद ये प्लास्टिक आसानी से गल नहीं पाती, जिसकी वजह से प्लास्टिक आलूदगी में इजाफा होता है। माइक्रोन का मतलब होता है 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा। गुटखा, तंबाकू और पान मसाले के जखीरा, पैकिंग या फरोख्त में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के पाउच पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। ये कानून सभी रियासतों में यकसां तौर पर लागू हैं। 21 रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम रियासतों ने ममनुआ प्लास्टिक के कैरी बैग और दीगर अशिया के खिलाफ सख्त उसूल इख्तियार किए हैं। मरकजी और रियासती हुकूमतों के सभी दफातर से सिंगल यूज प्लास्टिक के सामान का बायकॉट करने की हिदायत जारी की गई हैं। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले 46 शहरों, 20 रियासतों की दारुल हुकूमतों और गंगा के साहिल पर वाके 118 शहरों के कमिश्नरों को 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग की तखलीक और इस्तेमाल दोनों पर पाबंदी लगाने की हिदायत जारी की गई हैं। प्लास्टिक एक ऐसा जहर है जिसका असर सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर है। दुनिया भर के तकरीबन 60 ममालिक ने प्लास्टिक की थैलियों और सिंगल यूज प्लास्टिक की पैदावार पर सख्त कानून बनाए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगाकर अब हमारा मुल्क भी इसी फहरिस्त में शुमार हो गया है। प्लास्टिक के मुजिर असरात के मद्देनजर इसका बायकॉट करना हमारी भी समझदारी और अखलाकी जिम्मेदारी है। अपनी छोटी छोटी आदतों में तब्दीली लाकर हम भी प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से दूर भगा सकते हैं और अपनी आने वाली नस्लों को एक प्लास्टिक से आजाद साफ सुथरा माहौल दे सकते हैं। तो आइए आज हम भी से नो टू प्लास्टिक का अज़्म लें और एक समझदार शहरी बनें।